उत्तर प्रदेश में पहले फेज के मतदान के बाद दूसरे फेज का चुनावी दंगल शुरू हो गया है। दूसरे फेज में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी के सुरेश खन्ना से लेकर सपा के आजम खान की अग्नि परीक्षा इस कड़ी में है। यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में होने वाले मतदान में सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर समेत कई जिले शामिल हैं। आने वाली 14 फरवरी को दूसरे चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। आइए इन सीटों का सियासी गणित समझिए। दूसरे चरण का दंगल सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर बीजेपी, अब्दुल्ला आजम खां स्वार सपा। 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी के जिन 9 जिलों में मतदान होना है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पहले चरण में सभी राजनीतिक दलों के लिए जाट वोट बैंक महत्वपूर्ण था तो दूसरे चरण में मुस्लिम वोट निर्णायक माने जा रहे हैं। कुल 9 जिलों में करीब 40-50% मुस्लिम वोट बैंक है, जबकि कई सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 60% से भी ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2017 की बात करें तो इन 55 सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। पिछली बार बीजेपी को 38, समाजवादी पार्टी को 15, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं है। बहरहाल, जहां एक ओर बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है तो वहीं दूसरी ओर सपा आरएलडी गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अगर सपा को सरकार बनानी है तो इस चरण में बढ़त बनानी होगी, जबकि बीजेपी पिछली बार के नतीजों को बरकरार रखना चाहेगी। कयास तो तमाम लगाए जा रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भी भर रही हैं, लेकिन असल नतीजे क्या होंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा।